नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वंदना जाधव मैडम की प्रभात बुक से लिए गए हैं, और ये यूनिट नंबर 4 यानी बुद्धि यानी इंटेलिजेंस से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो रीट के सभी विद्यार्थी ईमानदारी का परिचय देते हुए सभी 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करें, और 50 सभी 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद कमेंट में हमें लिखकर बताएं कि आपके 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही निकले। तो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमारे चैनल का नाम है ज्ञान मस्ती एजुकेशन। दोस्तों ये हमारा एजुकेशनल चैनल है जिस पर हिंदी व्याकरण और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित क्लास उपलब्ध कराई जाती हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1908 में मानसिक आयु का विचार किसने दिया। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बिने और साइमन ने। तो मानसिक आयु का जो विचार दिया था बिने और साइमन ने दिया था, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, 1904 में दो कारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आंसर आपको सही बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स, स्पीयरमैन सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, श्रमक के लिए कितनी बुद्धि लब्धि पर्याप्त है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर है अ 70 से 85 सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, मूर्ख की बुद्धि लब्धि होती है। इसका सही आंसर है स 50 से 70 सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है। उसकी अंग्रेजी में मानसिक आयु 8 वर्ष है। 8 वर्ष के एक बालक के समान है, अन्य पढ़ाई में 10 वर्ष के समान है, तो उसकी शिक्षा लब्धि होगी। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों सही आंसर आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर है अ 80 सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, बालक का वह गुण जिससे किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाती है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर है स, सृजनात्मकता सही आंसर है स।
अगला क्वेश्चन है, जालोटा ने परीक्षण दिया है, जालोटा ने परीक्षण दिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है अ, 14 वर्ष। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, बिने और साइमन ने मानसिक आयु का विचार कब दिया। ये क्वेश्चन का आंसर मैं पूछ चुका हूँ, तो इसका सही आंसर आपको बताना है ब, 1908 में। पहला ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर अ, थोर्नडाइक ने। थोर्नडाइक ने इसका सही आंसर है अ। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए जो सूत्र दिया था वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ब, टर्मन ने। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का सही फॉर्मूला है। बुद्धि लब्धि निकालने का सही फॉर्मूला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब, दो कारक, G&S। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण की कमी है, बुद्धि परीक्षण की कमी है, बुद्धि परीक्षण की कमी है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब, ये विद्यार्थियों में उच्चता निम्नता का अंतर स्थापित करता है। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, बिने साइमन परीक्षण की प्रथम पुनरावृत्ति जिस वर्ष में प्रस्तुत की गई। इसका सही आंसर है दोस्तों अ, 1908। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत बुद्धि के जितने प्राथमिक कारकों का वर्णन करता है, कितने, सॉरी, या कितने हैं, कितने प्राथमिक कारकों का वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है स, 7। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन, बिने साइमन स्केल के संशोधन स्वरूप बुद्धि के वितरण की अवधारणा अस्तित्व में आई वह वर्ष था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब, 1911। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन, बौद्धिक मॉडल का ढांचा जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो बौद्धिक मॉडल ढांचा का प्रस्तावित किया गया वो कौन थे, तो इसका सही आंसर है द, गिलफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, जिसका प्रयोग कर वंश परंपरा का बुद्धि का प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है।
ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताना। तो इसका सही आंसर है द गॉड का बालक, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो इसका सही आंसर है स 25 से कम, सही आंसर स। अगला क्वेश्चन, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों स 80 से 90 के बीच, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, 6 से 11 वर्ष के बी सॉरी 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों में जल्दी याद करने की योजना बनाने और प्रबंध करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अ स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है, निम्न में से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है आकृति फलक परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण, वस्तु संयोजन परीक्षण, यानी इसका सही आंसर है द उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसने आईक्यू बुद्धि लब्धि का नाम दिया, किसने आईक्यू बुद्धि लब्धि का नाम दिया, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब टर्मन ने, टर्मन ने। अगला क्वेश्चन, थोर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, थोर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो इसका सही आंसर है 3, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण के बारे में सही तथ्य का चयन कीजिए, परीक्षण के बारे में सही तथ्य का परीक्षण कीजिए। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ब वैध होना चाहिए, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, जिस योग्यता के लिए परीक्षण बनाया गया है या जिसका वह मापन करता है उसे कहते हैं, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं चारों, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स परीक्षण की सत्यता या वैधता, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, थर्स्टन ने किस विधि का प्रयोग किया, थर्स्टन ने किस विधि का प्रयोग किया, तो इसका सही आंसर है दोस्तों अ सांख्यिकी विधि का, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, बालकों की बुद्धि लब्धि जिस वर्ष तक बढ़ती है वह आयु है, तो सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स 16 से 18 वर्ष तक, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे कहते हैं, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण किसने किया, कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण किसने किया, सही आंसर आपको बताना है दोस्तों इसका सही आंसर है स डॉक्टर CM भाटिया ने, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्रतिचयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर है इसका दोस्तों ब थॉमसन ने, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, जोशी द्वारा सामूहिक परीक्षण कहाँ किया गया, जोशी द्वारा सामूहिक परीक्षण कहाँ किया गया, तो इसका सही आंसर है दोस्तों
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, 13 वर्ष के बाद बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए। 13 वर्ष के बालकों के बाद 13 वर्ष के बाद बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स, मानसिक योग्यता के आधार पर, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन है, यानी ये परिभाषा किसने दी है, सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है स, टर्मन का। ये कथन किसका है, टर्मन का, यानी अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि, ये किसने कहा है, टर्मन ने, सही आंसर है स। विदेशों में बना बुद्धि परीक्षण किसका है, विदेशों में बना बुद्धि परीक्षण किसका है, सही आंसर आपको बनाना बताना है, सॉरी। तो दोस्तों तो इसका सही आंसर है अ, बिने और साइमन, ये 1908 में बनाया गया था, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, मूर्त अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, ये तीनों बुद्धि के प्रकार किस मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अ, थॉर्नडाइक ने, मूर्त अमूर्त और सामाजिक तीन हो गए, और ये थे बहुखंड, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब, आयु के आधार पर, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षा में कौन से देश का योगदान अधिक है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है अ, फ्रांस का, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि बताई गई है। यूएनएस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि बताई गई है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अ, 0 से 19, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, मानसिक मंदता से संबंधित व्यक्तियों के लिए कौन सा परीक्षण विशेष रूप से उपयुक्त है। ऑप्शन है ये इसके 4, आंसर आपको एक बताना है। इसका सही आंसर है स, छड़ी परीक्षण, सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बुद्धि परीक्षण नहीं है। इसका सही आंसर है बेल समायोजन परीक्षण, सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार जी तत्व है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अ, जन्मजात, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, त्रि आयाम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ब, गिलफर्ड ने, सही आंसर है ब। बुद्धि और विकास हैं परस्पर विरोधी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के समान, इनमें से कोई नहीं, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब, एक दूसरे के पूरक, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ हुआ, बुद्धि परीक्षण भारत में कब प्रारंभ हुआ। इसका सही आंसर है ब, 1922 में। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में विभक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ब, 2, सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है, यह मत है, ये विचार किसका है,
आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है सबने का। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरक उत्पन्न होते हैं, अभिप्रेरक उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर है अ, जन्म से, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर है अ, अभिप्रेरक, सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण शिक्षण व शिक्षा प्रक्रिया सफल बन सकती है, प्रेरणा से, सही आंसर है ब, प्रेरणा से। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरणा निम्नलिखित का आंतरिक भाग है, तो किसका आंतरिक भाग है, तो इसका ये है अधिगम का, सही आंसर है स। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, सही आंसर आपको बताना है, दोस्तों इसका सही आंसर है स, पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से संबंध करके पढ़ाना चाहिए, सही आंसर है स। दोस्तों ये थे हमारे बुद्धि से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।